अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तोफ़ाया अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदई फीहा बिअददि मा अहाط बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यम बकियतल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबलाए मौला, बैनुल हरमैन, गर्मियों का मौसम, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम की हिद्दत, यकीनन दोनों चीज़ें यकजा हो गई हैं और इश्के अहले बैत अलैहिस्सलाम का इजहार करने का जी चाहता है। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए। करबलाए मौला को याद करते हुए सीने पर हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फिदाए तुराब इब्ने अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अकीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका याबना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका याबना अमीरिल मुमिनीन वबना सय्यदिल वफीयीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका याबना फातिमा ज़हरा सय्यदाते निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बकीतु व बकिया लैलु النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास याबना अमीरिल मुमिनीन वाबना क़ायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि वाले रसूले वाले अमीरिल मुमिनीन वाल हसनी वाल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअ अल-कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मरा बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या
حجاب زينب السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. करबलाए मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 4 ज़ुल्क़ादा 1443 हिजरी है और आज के दिन आप जानते ही हैं कि 4 जून 2022 ईस्वी है, हफ्ते का दिन है। आज के दिन हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल आज़म ख़त्मी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी में हैं। आज हम अपने प्रोग्राम की किस नंबर 885 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे मनकबत खान सैयद सलमान हैदर साहब लाहौर पाकिस्तान से और ज़ाकिर शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद अली अब्बास जैदी अलमारूफ साज़ गाज़ीपुरी साहब गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से और मनकबत खान मोहम्मद हसनैन साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का इस नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए चंद लहज़े और इनायत फरमाए उतना ही कम है। नेमत अजीम है, अल्फाज कोताह हैं, नेमत बहुत बड़ी है, हमारी फ़िक्र महदूद है और जितना भी सोचें ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का जब हमें नतीजा मिलेगा पता चलेगा। काश काश हम सारी ज़िंदगी ही इसी ज़िक्र और अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़िक्र में बसर कर देते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब करबलाए मौला की इस धरती के अंदर यकीनन एक ख़ास कैफियत है। सूरज इस वक्त नहीं निकला हुआ, निकला हुआ तो है लेकिन हमारी आंखों के सामने ओझल है। कोई हवा के अंदर बादलों का सा पर्दा आया हुआ है, ओट बना रखी है बादलों ने, लेकिन गर्मी की शिद्दत अल्लामान है, अल्लामान गर्मी बहुत ज़्यादा है और करबला में ज़ायरीन जो आए हुए हैं हवा की हिद्दत से महसूस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस मोहब्बत भरे मौसम के अंदर इमाम हुसैन इस्लाम की मोहब्बत की गर्मी दिलों को हिद्दत पहुंचा रही है और एक शौक, एक वजद, एक इश्क, एक जुनून और एक मवद्दत जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ हर मोमिन को खींचे चले आ रही है। और जिस तरीके से आपको मालूम ही है कुछ इलाकों में 18 जेठ और कुछ इलाकों में 10 हाड़ के दिन 10 मुहर्रम की मुनासबत से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह शदीद गर्मी होती है इसे निस्बत दी जाती है कि 10 मुहर्रम शायद 18 जेठ या 18 जेठ शायद हमारे मौला की 10 मुहर्रम थी या शायद कुछ रिवायात भी पहुंची है। बहरहाल बहुत शदीद मौसम है, मौला आप सब पर रहम फरमाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर व शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद अली अब्बास जैदी साहब जो कि मशहूर हैं साज़ गाज़पुरी साहब के नाम से गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद करबलाए मौला, बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। मवद्दतों का वक्त है, इश्क का नजराना पेश करने का वक्त है, मोमिनीन के कुलूब को मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनव्वर करने का वक्त है। चाहूँगा मोमिनीन के कुलूब अजहान और आखरत को मौला के जिक्र से फैज़ और जिला पहुँचाइए और मौला का जिक्र फरमाइए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ موقع فراہم کر رہے ہیں آپ کہ دراصل اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہم کربلا مولا جیسی پاک سرزمین پہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنے کلام کے نذرانے جو ہے پیش کر رہے ہیں سلامت رہیں
यूं तो तमाम अफराद जो है माशाल्लाह इमाम की खिदमत में नजराने अकीदत पेश करेंगे। अभी करीब में ही जो है मोहसिन इस्लाम जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम की यौम विलादत भी गुजरी है, और मैं चाहता हूँ कि जो है इस पोते को अपने दादा के कुछ जो है मनतबत के अशार सुनाऊँ। लिहाजा आप सबसे बहरल गुजारिश है कि तवज्जो कीजिएगा, एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलावात पढ़ें। اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اثر انداز تھا ایسا میری ماں پر ابو طالب، واہ واہ، اثر انداز تھا ایسا मेरी माँ पर अबू तालिब। अरे कसीदे कहती थी बस तेरे उनवा पर अबू तालिब, कमाल। कसीदे कह, बहुत बहुत शुक्रिया। कसीदे कह तिथि बस तेरे उन पर अबू तालिब। और हर मोमिन की तरफ से ये शेर, मैं जब पैदा हुआ तो उसने बस तेरी मोहब्बत में। हर माँ अपने बच्चे के साथ जब चाहने वाला पैदा होता है तो क्या करती है, मैं जब पैदा हुआ तो उसने बस तेरी मोहब्बत में। अरे लकीरे संग सा लिखा रगे जा पर अबू तालिब, लकीरे संग सा लिखा रगे जहाँ पर। महसूस करते हैं हम तब, जब भी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो है सना होती है तो हम सब ये एक नेचुरल मोहब्बत महसूस करते हैं, उसी को जो है शेर में ढालने की कोशिश की है। लकीरे संग सा लिखा रगे जहाँ पर अबू तालिब, और ये भी शेर के पढ़ेगा मोतकी बस और मुनाफिक पढ़ ना पाएगा, पढ़ेगा मोतकी बस और मुनाफिक पढ़ ना पाएगा। अरे कसीदा है तेरा लिखा जो कुरान पर अबू तालिब, सीधा है तेरा लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया, जो कुरान पर अबू तालिब। ये शेर बतौर खास देखें, बतौर खास ये शेर सबकी तवज्जो चाहता हूँ। कसीदा है तेरा लिखा जो कुरान पर अबू तालिब, बतौर खास शेर देखें कि हिफाजत मुरसले आजम की हुर्मत की है गर वाजिब। अभी माहौल बन रहा है कि रसूल खुदा की तस्वीर को खराब करने का, बतौर खास शेर देखें, हिफाजत मुरसले आजम की हुर्मत की है गर वाजिब। अरे तेरी तकलीद वाजिब है मुसलमान पर अबू तालिब, तेरी तकलीद वाजिब है, मैं रुक से खाए मुसलमान पर अबू तालिब, बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल, वाह वाह, तेरी तकलीद वाजिब है मुसलमान पर अबू तालिब। और ये शेर देखेंगे, खुदा के और नबी के सामने है खम सरे हैदर, सर झुकाए रहते हैं अल्लाह, खुदा के और
नबी के सामने है खम सरे हैदर। अरे नहीं काबिल कोई अब और है यहाँ पर अबू तालिब, नहीं काबिल कोई अब और है यहाँ पर अबू तालिब। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं काबिल कोई अब और है यहाँ पर अबू तालिब। और ये शेर भी देखेंगे कि बहारे दायमी इस्लाम में आ ही नहीं सकती, बहारे दायमी इस्लाम में आ ही नहीं सकती। लिखा जब तक न जाएगा गुलिस्तां पर अबू तालिब, लिखा जब तक न जाएगा गुलिस्तां पर अबू तालिब। और मक्ते का शेर मुलाहिजा करें कि अजल जब साज से होकर गुजर जाए मैं मर जाऊं, अजल जब साज से होके गुजर जाए मैं मर जाऊं, फकत लिखना मेरी मरकत के सामा पर अबू तालिब। कमाल अकीदत, वाह वाह वाह। फकत लिखना मेरी मरकत के सामा पर अबू तालिब, असर अंदाज था ऐसा मेरी माँ पर अबू तालिब। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। हमारे मौला है ही ऐसे कि हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमें पुकारें हमारे मौला के नाम से। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला हम मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा। आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुकद्दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा ये तकदीस, ये इश्क, ये जुनून ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ये हकीकत मारफत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएं। ये थे हमारे साथ ज़ाकिर व शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद अली अब्बास जैदी साहब, जो कि मशहूर हैं साज़ गाज़ीपुरी साहब के नाम से, गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से। सदा सलामत रहें, सदा मारफत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ज़माने में आम फरमाते रहें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनकबत खां मोहम्मद हसनैन साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। हाँ, कॉल करके देखें दोबारा, जैसे ही मुंसलिक हो जाते हैं हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। मौला का नाम लेकर हमें एक सकून और तरावत कलवी सी और राहत जिस्मी और बदनी और फिक्री महसूस होती नज़र आती है, होनी भी चाहिए। हलाली होने की दलील ही यही है, मौला का नाम सुने खुश हो जाए। मौला भी ऐसे नहीं कि हर किसी ने जहाँ से पकड़ा बना लिया मौला, मौला ऐसे जो कि 1,25,000, 1,40,000 इससे भी ज़्यादा रिवायात वारिद हुई के सामने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाज अली उन मौला। 18 गदीर आ रही है, 18 जिलहज आ रही, हम तो जिलहज का नाम ही भूल गए, 18 गदीर ही कह दी जाती है। क्यों? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम से जो चीज़ मंसूब हो गई वो हमारे रूह व फिक्र के ऊपर इतनी असरअंदाज है, बाकी सब चीज़ें हमारे यहाँ सामने हीच नज़र आती हैं। लिहाजा जिलहज हो मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से हम जानते हैं, गदीर हो मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, 18 ज़िलहज का दिन हो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। यही तो शराफत रूही और बदनी और फिक्री है इंसान की कि अपने मौला के नाम से हर चीज़ को निस्बत देकर जाने, और निस्बत भी ऐसी निस्बत जिस निस्बत को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस मोहब्बत और इस शिद्दत के साथ कहा कि अगर आपने ये काम ना किया तो कुछ किया ही नहीं आपने। यकीनन कोई ऐसी मुहिम चीज़ तो है ना,
कुछ ऐसा तो है ना इस बात के अंदर, कुछ ऐसी तो शिद्दत है ना कि रसूल को गदीर में ठहरा दिया जाए, मोमिन को यौम हश्र ठहरा दिया जाए कि बताओ कौन है तुम्हारे मौला। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मनकबत खां मोहम्मद हसनैन साहब कराची सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ समाप्त फरमा रहे हैं जनाब? अस्सलामु अलैकुम जनाब हसनैन साहब। आपको अस्सलामु अलैकुम जनाब हसनैन साहब, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों में पहुंच रही है तो जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम हसनैन साहब, मेरा ख़्याल से मसरूफ़ हैं, खुदावंद मुताल उन पर रहम फरमाए कि उनकी काल मिल जाए, जो मौला से तवस्सुल उनका बरकरार हो सके। और जी दोबारा लौटें जी हसनैन साहब। अस्सलामु अलैकुम जनाब हसनैन साहब, आज तो आप ईद का चांद बन गए हैं, आवाज़ आपकी आने में ही नहीं आ रही है। अस्सलामु अलैकुम, शायद काल में जी की बिल्कुल आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम हुआ आपकी आवाज आना शुरू हो गई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या इली मदद, या इली मदद, सैयद सलमान हैदर अर्ज कर रहा हूं। हाँ सैयद सलमान हैदर साहब हैं आप हमारे साथ जी। मुझे हसनैन साहब शायद ज़हन में आया, क्या हाल है, कैसे हैं, खैराफियत से हैं? या इली मदद, या इली मदद, शुक्र मौला अली अलैहिस्सलाम का, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? करम बीबी का एहसान है, करबलाए मौला में आपके लिए दुआगो हैं और दुआगो हैं, जल्द करबलाए मौला आपको भी आना दोबारा नसीब हो। करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मवद्दतों के नजराने पेश करने का वक्त है, इश्क की घड़ियाँ यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ बिता के दुनिया और आखिरत संवारने का वक्त है। चाहूँगा मोमिनीन के कुलूब को मवद्दत का नजराना पहुँचा कर मुनव्वर तर फरमाइए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी किबला नामे अब्बास जो है मैं हदिया करना चाह रहा हूँ नजराना की इज्जत मौला अब्बास अलैहि सलाम की खिदमत में। इनायत फरमाइए, इनायत फरमाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद मुअज्जिल फरजहुम। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए, इसमें आजम है मोमिन की इल्तजा के लिए, मंशाए ज़हरा इरादा है अली हुक्मे जली, सानिये का फरे तैयार है गैरत का वली, खुद चुना अली के अकबर ने है वफा के लिए। नामे अब वसीला है हर दुआ के लिए, खून असदुल्ला का जौहर है ये अब्बास अली, काबा सदफ का गौहर है ये अब्बास अली, खास तोहफा है खुदा का ये मुर्तजा के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए, कोई माने या ना माने है ये ईमान मेरा, नामे अब्बास तो है बख्शिश का है सामान मेरा, नुस्खे की मिया नाम पर भी है शफा के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए, बाप पर शहर शहादत के जो भी आएगा, कसम हक की है जो मांगेगा वो मिल जाएगा, फख्र हैदर पे आया है करबला के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए,
आखिरी शेर दीद करता हूँ अलम पर तो कलम रुकता है, याद आ जाते हैं गाजी मुझे यूं लगता है, अब भी रोता है ये ज़ैनब तेरी रिदा के लिए, नाम अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए, नाम अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। कुछ और इनायत फरमाना चाहेंगे? मैं किबला ये इनायत फरमाना चाहूंगा, जितने मोमिनीन हैं करबला पूरी दुनिया में, सबकी मौला जो है हिफाजत फरमाए, और जितनी दिली हाजात है सबकी और कबूल हो, हमें हर साल बार बार करबला आने का मौका नसीब हो इंशाअल्लाह ताला। मौला आपको भी सलामत रखे और सिलसिला जारी और सारी रहे। मौला आपको सलामत रखे। जी कुछ सुनाना चाह रहे हैं? बस दुआ मांग रहे थे क्या? जी किबला जी, हाँ आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी है जी किबला, ये जो है आज का मेरे पास ये कलाम था इनाम अब्बास जो था, जो मैंने आप जो है मौला की खिदमत में जो है वो पेश कर दिया। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें, और ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। इसी तरीके से मवद्दत के नजराने मौला की बारगाह में हदिया फरमाते रहें, और ये जोश और ये फरते जज्बात अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में इसी तरीके से फिदा करते रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फरमाएं। यकीनन अल्फाज हमारे जितने भी बड़े हो जाएँ अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर कोताही हैं यकीनन, और हम जितना भी वक्त दे दें बहुत कम है अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह के अंदर। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। ये थे हमारे साथ मनकबत खां सैयद सलमान हैदर साहब लाहौर पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें, जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र जारी रहेगा, हम हो ना हो जिक्र जारी रहेगा। जिक्र हमारा मोहताज नहीं, हम जिक्र की एहतियाज रखते हैं। जिक्र हमारी ज़रूरत है, जिक्र को हमारी ज़रूरत नहीं है, और अहले जिक्र को तो कतन हमारी ज़रूरत नहीं है। उन्हें इखलास चाहिए, इखलास चाहिए, और वो भी इखलास वो हमारे हमें चंदीन बराबर नतीजे के साथ वापस लौटा देते हैं, जो हमारी नजात का सबब बन जाता है। वो हमसे खुलूस इसलिए तलब करते हैं कि हमें इस खुलूस के बदले में कोई अच्छी चीज़ नजात बख्शिश राहत सकून अबदी अता फरमा सकें, वरना उनकी ज़ात के लिए उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो जो चाहते हैं अल्लाह तबारक व ताला से चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला उन्हें हमारी सोच से बढ़ के दे चुका है, और हमारी फ़िक्र अक्ल व शऊर से बढ़ के उन्हें मिलता रहता है, क्योंकि वो ऐसे हैं कि जिन उन जैसा कोई भी नहीं है। वो ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात को फिदा कर दिया है, उनके सदक़े में खल्क हुए हैं हम लोग, तो हमारी क्या ज़रूरत है सदका भला किस काम का, इतनी बड़ी ज़वात मुकद्दसा के। हाँ ये है कि हम उनकी बारगाह के अंदर जब अपना खलूस इजहार करते हैं ज़ाहिर करते हैं, तो हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम और ज़्यादा नेमतें अता फरमाते हैं। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए फेसबुक के ऊपर, जिनमें से कुछ तो पढ़ सका, कुछ समझ नहीं आ रहे। बहरहाल एक हिंदी ज़बान में गालिबन लिखा हुआ है, कोई ट्रांसलेट ऑप्शन भी नहीं है, वरना मैं ट्रांसलेट करके पढ़ देता। कोई एक नंबर लिखा हुआ है इंडिया का, और साथ में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आई। तो भाई अगर आपने कुछ लिखा है मेरी समझ में नहीं आया तो मैं माजरत कहूँ आपसे। और फिर रज़ा मंझनपुरी साहब ने लिखा है, हाँ ये समझ आया मुझे, माशाल्लाह लिख कर दिल की इमोजी बनाकर भेजी है। मौला आप पर सलामतियाँ बरकतें रहमतें नाजिल फरमाएँ, और सदा अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे, सदा आबाद रहे। फिर रज़ा मंझनपुरी साहब ने लिखा, बिजी था काफ़ी दिन से आपका प्रोग्राम लाइव सुन नहीं पा रहा था, आपकी ज़रा नवाजी है, आपने इखलास फरमाया प्रोग्राम को वक्त दिया। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं कर रहा हूँ यहाँ पे करबला मोहल्ला में, और इन गर्म गर्म दोपहरियों के अंदर यकीनन करबला की याद और ज़्यादा ताज़ा हो जाती है, और इश्क अहले बैत अलैहिस्सलाम को चार चांद लग जाते हैं हमारे दिल के अंदर। लिहाजा आपके लिए ढेर सारी दुआएँ दुआ गूँ, जल्द करबला मोहल्ला आएँ, यहीं पर मिलकर जिक्र करें, हम भी पढ़ें आप भी पढ़ें, और मिलकर अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुस्न अकीदत को फिदा करें, और ख़ुद भी फिदा हो जाएं अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, अहले बैत अलैहिस्सलाम
की बारगाह के अंदर अल्फाज कोताह हैं, अल्फाज कोताह हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा कोताह हैं, सोच से भी ज़्यादा कोताह हैं, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की अताएँ हमारे पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। बहरहाल जब तक हमारे दूसरे भाई हसनैन भाई कह रहे थे शायद उनकी वालिदा बीमार हैं, फिर आने का भी कहा था इन्होंने, अब देखें अगर आ जाते हैं तो फ़बेहा, वरना उनकी अल्लाह ताला वालदा साहिबा को सेहत कामिल अता फरमाएँ ताकि वो अपनी वालदा साहिबा के साए तले ज़िंदा रह सकें और उनकी वालदा की रहमत बरकतें उन पर जारी वसारी रहें। बहरहाल उस वक्त तक मैं जनाब शोज़ब काज़मी साहब के का लिखा हुआ कलाम तरही कलाम से पढ़ रहा हूँ। सलाम है ऐ फ़ातिमा के लाल मोहम्मद के नवासे, ऐ फ़ातिमा के लाल मोहम्मद के नवासे, बेहतर है तेरी भीख भी शाहों की अता से, आबिद के शबो रोज़ की तनवीर अज़ा से, आबिद के शबो रोज़ की तनवीर अज़ा से, जिंदान मुनव्वर हुआ सजदों की ज़िया से, सद मरहबा हसनैन के नाना की सखावत, सद मरहबा हसनैन के नाना की सखावत, भर देती है कुछ कहने से पहले सभी का से, भर देती है कुछ कहने से पहले सभी का से, एक आबिद बीमार हरम के रहे निगरान, एक आबिद बीमार हरम के रहे निगरान, बाकी जो 72 थे वो मारे गए प्यासे, सद शुक्र सफ़ों में है मवाखात का बाइस, सद शुक्र सफ़ों में है मुवाखात का बाइस, जो दर्स उखूकत का मिला कर्बला से, जो दर्स उखूवत का मिला कर्बला से, पढ़ते हुए कुरान जो चले शह सरे नेजा, पढ़ते हुए कुरान जो चले शह सरे नेजा, मानूस हमें करते गए खाके शिफा से, मानूस हमें करते गए खाके शिफा से, सज्जादाए सज्जाद से पाया जो सहीफा, सज्जादाए सज्जाद से पाया जो सहीफा, बांधे हुए उम्मत को है शोज़ब वो विला से, बांधे हुए उम्मत को है शोज़ब वो विला से। और इसके साथ एक दूसरा कलाम भी यूं पढ़ने लगा हूँ, यूं गमे ज़िंदगी की दवा लीजिए, आयाम गर्मियों के हैं और गर्मियों में हम पाको हिंद के रहने वाले लोगों को करबला की बहुत याद आती है और हमें मुहर्रम अच्छा ही गर्मियों का लगता है। यूं गमे ज़िंदगी की दवा लीजिए, यूं गमे ज़िंदगी की दवा लीजिए, दिल में करबो बला को बसा लीजिए, दिल में करबो बला को बसा लीजिए, एक मखसूस रूमाल खुलने को है, एक मखसूस रूमाल खुलने को है, आंसुओं में मवद्दत मिला लीजिए, आंसुओं में मवद्दत मिला लीजिए, जान देने को आए हैं हम आप पर, जान देने को आए हैं हम आप पर, जब जिसे चाहे आजमा लीजिए, जब जिसे चाहिए आजमा लीजिए, खैमाए वक्त में तेरी है बहुत, खैमाए वक्त में तैरगी है बहुत, शमए ज़ौके शहादत जला लीजिए, शमए शौके शहादत जला लीजिए, जो भी आले नबी का अज़ादार है, जो भी आले नबी का अज़ादार है, अपने पहलू में उसको बिठा लीजिए, अपने पहलू में उसको बिठा लीजिए, आसमां दश्त पर गिर न जाए कहीं, आसमां दश्त पर गिर न जाए कहीं, तीर के सामने मुस्कुरा लीजिए, तीर के सामने मुस्कुरा लीजिए, एक सिपाही जो शह का वफादार था, एक सिपाही जो शह का वफादार था, उसकी गुर्बत पे आंसू बहा लीजिए, उसकी गुर्बत पे आंसू बहा लीजिए, वो जो साहिल पे है जो बेजुर्म मारे गए,
वो जो साहिल पे बेजुर्म मारे गए, ऐसे तिश्ना लबों की ही दुआ लीजिए। मजलिसे शामे गुरबत की ताजीम में, मजलिसे शामे गुरबत की ताजीम में घर के सारे दियों को बुझा लीजिए, घर के सारे दियों को बुझा लीजिए। घुट रहा है बहुत तन के पिंजरे में दम, घुट रहा है बहुत तन के पिंजरे में दम, परचमे करबला की हवा लीजिए, परचमे करबला की हवा लीजिए। दिल के बाकिर नमाज़े वफा की अज़ां, दिल के बाकिर नमाज़े वफा की अज़ां, खंजरों पे मुसल्ला बिछा लीजिए, खंजरों पे मुसल्ला बिछा लीजिए। शायर अहले बैत अलैहि सलाम बाकिर ज़ैदी साहब का कलाम था, और मौला अब्बास अलैहि सलाम के आलम का तज़किरा निकल ही आया है, तो उसके साथ जनाब शोज़ब साहब का भी एक और सलाम मैं पढ़ने लगा हूँ। जान दी अब्बास ने शब्बीर की आगोश में, जान दी अब्बास ने शब्बीर की आगोश में, दम दिया परवरदाए तत्हीर की आगोश में, दम दिया परवरदाए तत्हीर की आगोश में। तन थे जब सारे तुफंग वो तीर की आगोश में, तन थे जब सारे तुफंगो तीर की आगोश में, बोलता कुरान था तफसीर की आगोश में, बोलता कुरान था तफसीर की आगोश में। हैं वफाएं अज़्म आलमगीर की आगोश में, हैं वफाएं अज़्म आलमगीर की आगोश में, जिंदगी है परचमे शब्बीर की आगोश में, जिंदगी है परचमे शब्बीर की आगोश में। हुरमला का तीरे से शाखा न जाने क्या हुआ, हुरमला का तीरे से शाखा न जाने क्या हुआ, पल रहा है दीन हक बेशीर की आगोश में, पल रहा है दीन हक बेशीर की आगोश में। जो मुहारी तौक भारी लेके करबल से चला, जो मुहारी तौक भारी लेके करबल से चला, वो रहा जिंदान और जंजीर की आगोश में। कामयाबी से हुआ ता शाम ओ कूफा हम किनार, कामयाबी से हुआ ता शाम ओ कूफा हम किनार, मकसद शह ज़ैनब दिलगीर की आगोश में, मकसद शह ज़ैनब दिलगीर की आगोश में। अपनी हस्ती का खुलासा इतना है शोज़ब के हम, अपनी हस्ती का खुलासा इतना है शोज़ब के हम, सर बुलंदी से जिए तकदीर की आगोश में, सर बुलंदी से जिए तकदीर की आगोश में। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है वो एक ख़ास तरावत रखता है। अपने पराए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हर किसी को वो अपनाइयत महसूस होती है कि मज़हब की कैद भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा मरकज़ वहदत व मरकज़ यगानगत व मरकज़ इज्तिमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत और मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। कायनात को अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर इकट्ठा कर सकते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत को छोड़कर कोई कहे हम इकट्ठे हो रहे हैं, मुनाफ़क़त हो सकती है, मोहब्बत नहीं हो सकती, यहाँ पे यगानगत नहीं हो सकती, इखलास नहीं हो सकता। क्योंकि इखलास हासिल करना है तो अल्लाह ताला की मुखलिस तरीन मुकर्रब तरीन मखलूक से हासिल करना होगा, और वह अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। लिहाजा इखलास हासिल करना है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से ही गदागरी करने के बाद हासिल होगा। खूने अबू तालिब तेरी तौकीर के सदके, खूने अबू तालिब तेरी तौकीर के सदके, अब्बास के सदके तेरे शब्बीर के सदके, अब्बास के सदके तेरे शब्बीर के सदके। कौसैन की मंजिल हुई तरतीब ज़मीं पर, कौसैन की मंजिल हुई तरतीब ज़मीं पर, शोबे अली अबी तालिब तेरी जागीर के सदके, शाबे अबी तालिब
तेरी जागीर के सदके ये आये तत्हीर की आमद ने बताया, ये आये तत्हीर की आमद ने बताया। सब आयते हैं चादरे तत्हीर के सदके, सब आयते हैं चादरे तत्हीर के सदके। हुर सो गया शब्बीर के कदमों से लिपटकर, हुर सो गया शब्बीर के कदमों से लिपटकर। तकदीर हुई कातिबे तकदीर के सदके, तकदीर हुई कातिबे तकदीर के सदके। क्या शह की सवारी से जबीहे का तकाबुल, क्या शह की सवारी से जबीहे का तकाबुल। बेख्वाबे इब्राहीम भी तामीर के सदके है, ख्वाबे इब्राहीम भी ताबीर के सदके। तलवार थी या दस्ते कजा थी सरे सिफीन, तलवार थी या दस्ते कजा था सरे सफीन। गिनती में नहीं आते थे शमशीर के सदके, गिनती में नहीं आते थे शमशीर के सदके। अब्बास की आंखें वो खदो खाल अली के, अब्बास की आंखें वो खदो खाल अली के। आईने हुए जाते थे तस्वीर के सदके, आईने हुए जाते थे तस्वीर के सदके। अकबर की भी औलाद अता मौला ने की है, अकबर को भी औलाद अता मौला ने की है। राहिब तेरी औलाद की तदवीर के सदके, राहिब तेरी औलाद की तदवीर के सदके। कलाम बहुत ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन अब आखिरी तकरीबन 3 मिनट बच रहे हैं, देखता हूँ अगर पढ़ सका ये वाला कलाम। मुझे जी चाह रहा है पढ़ दूँ ये वाला कलाम भी, मौका कभी कभी आता है। बहरहाल 18 जेठ के एतबार से जनाब ने लिखा है शोज़ब साहब ने, वही मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ। 18 जेठ गर्मी का महीना रोज़े आशूरा, 18 जेठ गर्मी का महीना रोज़े आशूरा। करो मातम यजीदी फ़ौज ने सरवर का घर लूटा। ज़माने में आया सुबह कयामत आज के दिन थी, था साल बुकरमी शह की शहादत आज के दिन थी। क्या किया अल्लाहु अकबर कह के शाहे दीन पे हमला। शबिस्तान इमामत में अंधेरा गम का छाया था, निशाना जुल्म इस्तिबदाद का जहरा का जाया था। गला एक कुंद खंजर से शहे मजलूम का काटा, मिला शह के हरम को एक भी कतरा ना पानी का। जबूं था हाल इब्ने शाह अकबर की जवानी का, कयामत है कि सीने से निकाला शाह ने नेजा। हुई पामाल लाशे नोशाए सुबह अकद घोड़ों से, हुई पामाल लाशे नोशा सुबह अकद घोड़ों से। सदाए अल हफीज़ो अल अमां आती थी खैमों से, उठाया शाह ने गठड़ी में लाशा इब्ने शब्बर का। अदू की फौज में कत्ले शहे बेकस का था सामान, अदू की फौज में कत्ले शहे बेकस का था सामान। बहन सिबते नबी की तिल्लाए जैनब पे थी गिरियां, किया उम्मत ने शोज़ब ऐसे इस्तिकबाल मेहमा का, किया उम्मत ने शोज़ब ऐसे इस्तिकबाल मेहमा का। वक्त आखिर है, आइए आखिरी वक्त में आयाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के ही हैं, हर वक्त अहले बैत याद रहते हैं। आखिरी वक्त में कायनात के बेहतरीन सबसे प्यारे मौला को याद करते हैं और उनके ज़हूर की दुआ करते हैं जिससे हमारी दुनिया आखिरत संवर जाएगी। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज वल आफियत वन नसर वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारे वजअलना मिनल मुस्तशहदीना बैना यदै। Say.